हिंदी का। देखिए हिंदी को क्या होता है कि हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इग्नोर कर देते हैं कई बार। तो जो नंबर आप 110 से लेके, ओ एक मिनट, जो नंबर आप क्या कर सकते हैं 98 से लेके 112 तक पा सकते हैं, वहां पे ये लोग 80 से लेके 85, कई बार 75, इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं। ये मेरा खुद का भी एग्जाम्पल है, मैं बहुत ज्यादा हिंदी में नंबर नहीं पाया, लेकिन हिंदी ये मान चले यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत की फैक्टर निभाता है। आप जीएस का पेपर के लिए बहुत मर के पढ़ते हुए एक पेपर में आपको मैक्सिमम 100 से 110 नंबर लाने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन हिंदी में अगर आप जितना एक जीएस के पेपर को तैयार करते हो, कोई भी पेपर हो, उसका केवल अगर क्या करें आप 30 से 35% दे दें, तो आपको इस पेपर में आसानी से 110 से 115 नंबर, 12 नंबर क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी और स्ट्रेटजी और थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग हिंदी की जब बात करेंगे, तो हिंदी की तैयारी में हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसको हमको रखना है, सिलेबस देख लीजिए क्या क्या पूछा है, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कम से कम 5, 6 से 7 साल के पेपर क्या करिए। लिख कर जाइए, इतना काम हमको क्या करना है, इसमें करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंदी के कुछ पार्ट है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। जैसे हिंदी में जो हम लोग देखेंगे तो पहले क्या होता है हमारा कि व्याकरण होता है। व्याकरण में क्या क्या आता है, विलोम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूट, शुद्धि व अशुद्धि, प्रत्यय व उपसर्ग, मुहावरे, ये जो होता है 30 नंबर का होता है। प्रत्यय उपसर्ग जो होता है 10 नंबर का होता है, शुद्धि अशुद्धि 10 नंबर की होती है, ये 10 नंबर का होता है और ये 10 नंबर का होता है। टोटल अगर नंबर देखें हम लोग तो 70 नंबर का हमारा क्या होता है, व्याकरण होता है, ठीक। 70 नंबर के व्याकरण में हमको क्या करना होता है कि आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर पेपर पूरा याद कर जाइए, ठीक है। इसके साथ में आप बुक यूज कर सकते हैं, आप आदित्य पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, या आप पीएन पांडे को आप क्या कर सकते हैं, कोई एक, या तो आप वासुदेव नंदन को पढ़ सकते हैं, जो भी बुक मार्केट में आपको मिले इन सब टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। अगर आप 70 में से 60 नंबर कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको हिंदी में कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां पर आप 100 से ऊपर ना रहें। और 100 110 पाने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से, आप बहुत कंफर्टेबल स्थिति में, अगर मान लीजिए कोई पेपर में आपका नंबर भी थोड़ा कम होता है तो उसको क्या कर देता है, एडजस्ट कर लेता है। तो रिस्क कैपेसिटी को डाउन करने में हिंदी और एसए का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हम लोग पूरी प्रिपरेशन के दौरान में हिंदी और एसए को क्या करते हैं कि बहुत फोकस करके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हिंदी और एसए को भी क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें आपका आता है कुछ पोर्शन और भी, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। इसके बाद इसमें आता है दूसरा जो पोर्शन आता है वो होता है आपका पत्र लेखन का। पत्र लेखन में शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, परिपत्र,
अधिसूचना। अधिसूचना विज्ञप्ति। और एक और होता है, अधिसूचना विज्ञप्ति, परिपत्र। ऐसा एक पत्र होता है, मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, उसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ये पांच पत्र आपके आते हैं। अब देखिए इनके आप क्या करिए कि फॉर्मेट जो होते हैं, कम से कम 10 से 15 बार, 15 से 20 बार क्या करिए, बनाइए, ठीक है। रोज आप आइए सुबह में, 5 मिनट लगता है आपको फॉर्मेट बनाने में, आप फॉर्मेट उसका क्या करिए, बना रखिए, ठीक। क्योंकि हर पेपर में, हर एक उसमें आपको या तो एग्जाम्पल पूछ लेता है या तो फॉर्मेट पूछ लेता है। ये बहुत हैंगिंग फ्रूट है, इसमें आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, अब इसके बाद आइए, इसमें हम लोग देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या पूछ लेता है। इसमें इसकी या तो परिभाषा पूछ लेता है, विशेषता, या इनके बीच में अंतर, या तो इसका प्रारूप ड्राफ्ट पूछ लेता है, या तो इसमें क्या करता है, प्रारूप के साथ में या तो नीचे क्या कहते हैं, उदाहरण सहित पूछ लेता है। तो ये इस पेपर में इतना ही पूछता है इसको लेकर, ठीक है। और आप एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि पेपर पत्र लेखन में ही क्या होता है कि जो रिपीटेड होता है वो नहीं आता है। जैसे मान लीजिए 2021 में इसने पूछ रखा है कि शासकीय पत्र और विज्ञप्ति, तो वो अधिकतर चांस होता है, देखिए 100% गारंटी नहीं है, लेकिन अधिकतर चांस होता है कि वो अगले साल 2022 में ये प्रश्न न पूछे, ठीक है। हो सके अब वो 3 से क्वेश्चन पूछे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको छोड़ के जाना है। बस इतना ही करना है कि उस साल, जैसे 2022 में हम एग्जाम दे रहे हो या 2023 में एग्जाम दे रहे हो, तो 2022 में जो पत्र लेखन पूछा गया है उस पत्र लेखन को 10 बार प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन जो बाकी जो 3 बचे उनको 15 बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जिससे क्या हो कि आप पत्र लेखन बहुत बेहतर कर सकें। ये आता है 30 नंबर का, 20 से 30 नंबर का इस तरह का आता है, ठीक है। आप उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आता है, दो चीज और होती है इसमें, जो तीसरी चीज इसमें पूछी जाती है वो होती है भावार्थ और इसी से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें मान लीजिए कोई क्या होता था कि एक इतना बड़ा क्या होता है, पैराग्राफ दिया होता है, उसका भावार्थ पूछता है। भावार्थ हमेशा याद रखिए, जो भावार्थ होता है इस पैराग्राफ का वन बाइंड हाफ लिखा होना चाहिए, ये आप वासुदेव नंदन जब पढ़ेंगे तो उसमें इसकी क्या कर रखा है कि ये रूपरेखा होनी चाहिए किसी भावार्थ की। जैसे आपका ये क्या हो गया कि ये कोई आपका हो गया, ये मान लीजिए आपको कोई पैरा दे दिया है, इसमें टोटल 150 वर्ड है, तो भावार्थ की जो मात्रा होनी चाहिए वो भावार्थ होना चाहिए आपका 75 शब्दों में। शब्द को बहुत अच्छे से आप लोग काउंट कर लीजिएगा और शब्द को बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखे रहिएगा। भावार्थ में आप क्या करिए, शीर्षक डाल दीजिए, शीर्षक के आत में सकारात्मक जो इसमें तथ्य, आपको सकारात्मक जो की पॉइंट मिल जाए उसको डालिए, नकारात्मक की पॉइंट डालिए, ठीक है। ये आपके जो चेक करने वाला व्यक्ति होता है उसके क्या होता है, माइंडसेट को चेंज कर देता है, तो व्यक्ति आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। इसके अलावा लिखिए कि इसमें देखिए क्या होता है कि इसी जो पारा होता है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में क्या होता है कि आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कॉपी का पेज हो गया जहां प्रश्न लिखा होता है, और इतने में क्या होता है, लिखना होता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या लिखोगे, इसमें जब एक्सप्लेन करिए तो एक्सप्लेन में आप अपना एग्जाम्पल डाल सकते हैं, रिपोर्ट डाल सकते हैं, एग्जाम्पल डालिए, ठीक है। कोई दार्शनिक हो उसका भी विचार इसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है वो बेहतर हो जाता है। तो ये काम का करना है, जब आप प्रश्न उसका लिखेंगे तब उसमें ध्यान रख रहिएगा, ठीक है। जिससे क्या है कि आप
जो प्रश्न पूछा गया है उस पैराग्राफ के साथ साथ, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने की बात करता है, आप एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं कि किसी रिपोर्ट एग्जाम्पल को देकर क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भावार्थ का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, संक्षेपण की। देखिए संक्षेपण जो होता है ये चौथा पार्ट है इसका। संक्षेपण होता है इसका भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको पैरा दे दिया है, पैरा में अगर मान लीजिए 150 शब्द हैं, तो संक्षेपण हमेशा क्या होता है आपका 1/3 होता है। शब्द संक्षेपण में होना चाहिए। अब देखिए संक्षेपण में कुछ बातें होती हैं जिसको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए संक्षेपण में एक क्वेश्चन आता है, इसका शीर्षक लिखें। शीर्षक कोशिश करिए कि 5 से 7 शब्दों में क्या हो, 5 शब्द से ज्यादा ज्यादा ना जाए, 5 से 6 शब्द शीर्षक होना चाहिए। ठीक छह शब्द का होना चाहिए शीर्षक होने चाहिए, इतने में करिए। और उसके बाद क्या होता है, और उसमें लिखिए कि इस उपरोक्त जो पैराग्राफ है या जो भी वाक्यांश है इसका संक्षेपण ये है। उसको क्या करिए आप शीर्षक को, कि शीर्षक जैसे मान लीजिए कि वैश्वीकरण आपका आ गया, वैश्वीकरण का, वैश्वीकरण का प्रभाव, इस तरह का समझ में आ गया कि ये संक्षेपण हो, क्या होना चाहिए शीर्षक होना चाहिए, तो आप उसको क्या करिए इस तरह काम में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का क्या करिए ध्यान रखिए। ये क्या होता है कि एक एक नंबर भी अगर बढ़ाते हैं तो आपको 5 से 7 नंबर एक पेपर में बढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो और इसके साथ में ध्यान रख रही है कि जब भी आप इसका संक्षेपण लिखें, संक्षेपण में क्या होना चाहिए, एक तो संक्षेपण आपका होना चाहिए, इसके शीर्षक को भी आवश्यक कि उसमें क्या करिए एक अलग से भी शीर्षक इसमें बता दीजिए कि संक्षेपण में क्या ये शीर्षक है। ठीक है, एक शीर्षक तो अलग से पूछता है, साथ में जब संक्षेपण पूछता है उसमें भी एक शीर्षक जरूर डालिए। ठीक है, फिर अपना जो संक्षेपण है 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए आप पेपर देने जा रहे हो, IAS PCS का देने जा रहे हो, एक प्रशासनिक अधिकारी का देने जा रहे हो, तो आपको नियम कानून सबसे आपको क्या परोपरी रखना है, सबसे ऊपर नियम कानून, वही नियम कानून आपको 1/3 1/2 आपको फॉलो करना है। जब आप किसी व्यक्ति को इतना संतुष्ट कर देते तो आपके प्रति माइंड सेट उसका उस तरह का हो जाए कि नहीं ये तो है एक बच्चा जो है, जो भी कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए लेकिन बच्चा क्या है कानून नियम से काम कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे पेपर,